هلو، هاي، وعليكم السلام. هلو هاي جي، हाँ शूट हो गया। मरियम खान, वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे हो? वालेकुम सलाम, हाय हाय निधिका। वालेकुम सलाम, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। थैंक यू। सो गाइस, मैं अभी समीर सर के साथ हूँ क्योंकि ये हेड है। समीर सर, थैंक यू। वैसे क्योंकि तो बोल दिया आपने, ये तो ठीक है। नहीं, मैं हमेशा क्विक ही बोलता हूँ, मगर अब की बार मैंने बहुत सही बोला हूँ। तो आज मेरा पैनल मीटिंग था बिल्कुल सर के साथ में। मैं बहुत नर्वस था, मगर सर ने जो इतना घूम घूम के सबसे सवाल जवाब किए हैं, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई था मेरा। कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ। न्यू सॉन्ग एल्बम आ रहे हैं? हाँ, बहुत जल्दी आ रहे हैं। हाय हाय, हेलो सिराज। तो फैसो, सो हाँ हम शायद यू कैन जस्ट टेक दिस। फैसो, हम अभी ऑल अबाउट म्यूजिक पे हैं। ऑल अबाउट म्यूजिक, तुम्हारे फैंस को बता देते हैं, ऑल अबाउट म्यूजिक इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है। कोई 2000 लोग आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, और जो स्पीकर्स हैं ऑल अबाउट म्यूजिक पे, कोई 50 स्पीकर्स बाहर से आए हैं और 50 स्पीकर्स इंडिया से हैं। ये तुम्हारे लिए पहला ऐसे पैनल था ना? हाँ, पहला पहला। तो मैं कल हम इधर आए थे और हम बता रहे थे कि ये एक बिजनेस लोगों के लिए पैनल है। मेरे ख्याल से काफी फैंस पूछ रहे थे कि हम फैंसों का कैसे मिल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो भी यहाँ पे आए हैं वो मोस्टली यहाँ पे अटेंड करने के लिए, बिजनेस नॉलेज म्यूजिक के बारे में अटेंड करने के लिए। कुछ 10,000 की टिकट है और 2000 लोग आए हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में, कुछ 250-300 लोग बैठे हुए थे हमारे पैनल के लिए। और तो इस फैसो कुछ बातें तो हमने पैनल पे की थी। एक क्वेश्चन जो मैं शायद पैनल पे पूछ नहीं सका, उस टाइम को टाइम नहीं था। जब आप गाना चूज करते हो प्रमोट करने के लिए, अभी गाने के प्रमोशन में आपके जैसे जो जो बड़े टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंड यू आर द लार्जेस्ट इन दैट, तो आप गाना कैसे चूज करते हो? और जब आप चूज करते हो तो वो गाने का कौन सा लाइन है, ये कौन आपको बताता है? कोई बताता है, आप खुद करते हो? ये जो प्रोसेस है, अपने फैंस को जरा बताओ, जो जो बड़े टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कैसे होता है कि आप कैसे चूज करते हो गाना, क्या बनाओगे, वो क्या प्रोसेस है? जैसे गाना है तो उसमें कोई ऐसी एक लाइन होती है जो लोग रिलेट करते हैं, और जैसे मैं रिलेट करता हूँ, मुझे पसंद आ रहा है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। मैं बना रहा हूँ तो लोग भी समझ रहे, लोगों की लाइफ से, मतलब ऐसा है कि मतलब इंटरेक्ट करे, या लोग बोले कि हाँ मतलब ये, हाँ ये लाइन बहुत अच्छी है, मतलब ये सॉन्ग तो देखने जैसा है। हाँ। तो लोग उसे यूट्यूब पे भी जरूर देखते हैं और उस लाइन के हिसाब से वैसा कंटेंट बनाते हैं। ज्यादा करके तो कॉमेडी कंटेंट ही चलता है टिकटॉक पे, कॉमेडी हो गया और बीच में हाँ। अभी अभी थोड़ा कम हो गया है वो। हाँ। तो लेकिन ये जो जब डिसाइड होता है तो टीम 07 एक इतनी क्लोज नेट ग्रुप है, तो जब टीम 07 साथ में बैठ के कुछ डिसाइड करते हो आप, तो हाँ, आप सब लोग मिलके डिसाइड करते हो या सब अपने अपने घर में बैठ के खुद का कंटेंट बनाते हो, वो कैसे होता है? खुद का कंटेंट भी हम 5-6 खुद का कंटेंट भी बनाते हैं, और ज्यादा करके ना हम लोग ग्रुप वीडियोज भी बनाते हैं क्योंकि लोगों को हमारी ग्रुप वीडियोज ज्यादा पसंद है, तो हम लोग वो हिसाब से। और कंटेंट सारे सबके अलग होते हैं। अगर मैं एक दिन में अगर 13-12 कंटेंट बना रहा हूँ, तो अदनान भी है जो अलग अलग मेरे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, उन लोग भी एक दिन में 12-13 कंटेंट बनाते हैं, वो भी सब अलग अलग। सब वीडियो? हाँ, सब वीडियोस। और कंटेंट बनाना ठीक है, आसान है, मगर कंटेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब रात भर निकालना पड़ता है कंटेंट क्या है क्या नहीं, और खुद से भी इन्वेंट जो करते हैं कंटेंट, उसमें भी बहुत टाइम जाता है। तो कंटेंट जो कंटेंट बनाना चाहिए उसमें ज्यादा टाइम जाता है, हालांकि एक्चुअली लोगों को शायद लगता होगा कंटेंट बनाने में टाइम जाता है। आप कह रहे हो कि
कंटेंट चूज करने में हम कौन सा गाना चूज करेंगे, उसमें कौन सी लाइन होगी जिसके ऊपर मैं अपनी माइम एक्टिंग करूंगा, स्किट स्केच बनाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम जाता है, उसमें ज्यादा टाइम जाता है। तो जरा बताओ आप टीम 07 के बीच में मतलब तो अदनान का कैसे अलग है और फैज का कैसे अलग है और सद्दू का कैसे अलग है, हसनैन का कैसे अलग है? अगर सिमिलर कंटेंट बनाएंगे तो ना अदनान को ज्यादा लाइक जाएगी ना मुझे ज्यादा लाइक जाएगी, तो लोग तो स्वाइप कर ही देंगे वो देखने के बाद कि हाँ मतलब ये ऑलरेडी बन चुका है। तो इसके लिए हम लोग जितना हो सके ना उतनी कोशिश करते कि अलग कंटेंट बनाए, ओके, एक दूसरे से सेम नहीं बनाए। तो ये जो सब कंटेंट बनता है आपका, इसमें म्यूजिक का कितना बड़ा हिस्सा होता है? हर चीज में म्यूजिक होता है बैकग्राउंड में, ऐसा कोई कंटेंट बनता है जिसमें म्यूजिक बैकग्राउंड पे शायद नहीं हो? वो सिर्फ जैसे कॉमेडी कंटेंट हो गया वो उसमें रहता है, ज्यादा करके तो म्यूजिक होता ही है, हर कंटेंट में म्यूजिक होता है। और आजकल म्यूजिक वीडियो की भी बात हो रही है, आप सब टीम 07 अभी दुबई से आए हो वापस? दुबई में बहुत अच्छा शूट हुआ है और म्यूजिक ये मतलब मैं मेरे हिसाब से जहां तक का मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे मैंने इतने सारे मतलब फ्रेंडशिप सॉन्ग देख लिया हूँ और इतने सारे कंटेंट देख लिया हूँ फ्रेंडशिप को लेके, मगर ये जो हम लोग ने किए है ना ये अभी तक किसी ने नहीं देखा। अच्छा, एकदम सब चीज यूनिक है, सारी चीजें मतलब ऐसी तरीके से शूट हुआ है, नेक्स्ट लेवल शूट हुआ है सब, और स्टोरी भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। ओके ग्रेट, कब रिलीज हो रहा है आपका वीडियो? ये या तो 7 को होगा या तो 10 को होगा, ओके, अभी कंफर्म नहीं है। कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, आपको कैसे लग रहा है एक म्यूजिक एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना? म्यूजिक ये थोड़े हटके बात है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हम इस अवतार में भी देखें कि एक तो एक आपका वीडियो शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो अवतार है, सोशल अवतार है, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जैसे जो नेचुरली हमारी बातें हो रही थी पैनल पे कि, और जो लोग जो बिजनेस वाले लोग हैं समझना चाहते थे कि क्या एंगेजमेंट कैसे लाते हैं, क्या एंगेजमेंट है, आपको कैसे लगा ये सब? आपको लगा कुछ ऑफ बीट था, मजा आया आपको, कैसे मुझे लगा? तो बहुत मजा आई है, शुरू में तो बहुत नर्वस था मैं क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था और मुझे तो पता भी नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जहां तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरा पैनल में, मतलब जो हिसाब से मैंने बात किया उन लोगों से जेन्युइन लगा, काफी दिल से आपने बात की। और बात तो यही आ जाती है ना कि क्लीन कंटेंट की, कि आप जितना क्लीन कंटेंट बनाओगे लोग उतना उसे पसंद करेंगे, और ज्यादा करके ये कि फैमिली देखना चाहिए कंटेंट, अगर हम कोई कंटेंट बना रहे हैं तो ज्यादा इतना ऐसा नहीं होना चाहिए क्लीन कंटेंट बनाओ फैमिली देख सके बच्चे देख सके, तो क्या वो भी बनाते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है वीडियोज बनाना। और टिकटॉक ऐसा है कि मतलब मुझे जहां तक का ऐसा लगता है कि मैं अभी जितने भी फैंस से मिलता हूँ बाहर या कहीं मिलता हूँ किसी से भी, तो वो आके मुझे यही बोलते हैं कि मैंने भाई आपकी वजह से टिकटॉक स्टार्ट किया है, क्योंकि लोगों को लगता था टिकटॉक बनाना बहुत हार्ड है, मतलब हो ही नहीं पाता ऐसा लगता था, और हम लोग है ना जितना इजी से इजी तरीका मतलब बताते हैं लोगों के मतलब बहुत इजी है इसे बनाओ, तो लोग आके यही बोलते हैं हमें कि बस आपकी वजह से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया। आजकल टीम 07 पूरे जिम हर रोज जिम में है, हर रोज हम देखते हैं स्टोरीज पे जिमिंग वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग की सब बॉडी बॉडी बन रही है, तो ये अभी आप वो ये फिटनेस वाला ये कब से चालू हुआ है और सब लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं? अच्छी बात है। हाँ, और मतलब मुझे भी डीएम बहुत आ रहे हैं कि मतलब जिम भी बहुत अच्छा है, जिम से जिम का मतलब देख के मैं भी जिम जा रहा हूँ अभी, तो मेरे को मतलब रिसेंटली मैंने एक्सरसाइज होते ना बिल्डर्स के, तो वो जिम में जाके देखता था कि मतलब बॉडी बिल्डर्स के पोस्ट है, मतलब क्या बात है, मतलब उनको भी देख के थोड़ा 1-2-3-4 होता रहता था, मगर एक मैंने अभी वीडियो रिसेंटली देखा और जिसमें मेरे पोस्टर लगे। अच्छा, हाँ। मैं बहुत खुश था उस दिन के, मतलब मैं ऐसा देखता था पहले ऐसा जिम है जहाँ पे आपकी पिक्चर्स लगे हैं भी। हाँ, मैंने स्टोरी भी डाला था, उसे हाईलाइट भी किया मैंने, मैं बहुत खुश था वो चीज देख के, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब अभी यही है कि अभी जिम को लेके सब सीरियस, और अभी मेरा यूट्यूब पे मतलब मैं अभी चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यूट्यूब पे जो चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ज्यादा करके उसमें जिम की ही बात, जिम का ही जो भी रहेगा कंटेंट ज्यादा करके जिम का ही बताऊंगा, ब्लॉगिंग करूंगा जिम की और मेरी डाइट बताऊंगा, मैं डाइट क्या कर रहा हूँ, मैंने इतने कम टाइम में इतनी क्लीन बॉडी कैसे बनाया हूँ, मैं बहुत क्लीन डाइट कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से मीठा नहीं खाया, कुछ सप्लीमेंट यूज नहीं किया, कुछ नहीं सप्लीमेंट लाइक प्रोटीन मैंने यूज किया मगर मैंने अभी तक कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिया हूँ या कुछ भी इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लिया हूँ, बस क्लीन डाइट कर रहा हूँ और एकदम डिसिप्लिन। हाँ, और ये पूरी टीम 07 आप ये एक 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 डिसिप्लिन अप्रोच से फिटनेस अपनी फिटनेस बढ़ा रहे हैं। सब एक्सलेंट। तो अभी आपने ये एक नया एक्सपीरियंस किया है, आपको लगता है कि आई थिंक ये
म्यूजिक इतना बड़ा हिस्सा है टिकटॉक का और आपकी लाइफ में इतना बड़ा हिस्सा है, हम तो चाहेंगे कि आप और पैनल्स पे आए और अपनी जो ये जो आपने नॉलेज इकट्ठा की है आपने टीम 07 ने सबने मिलके ये और लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो बिजनेस वाली दुनिया है उनको समझ में आए कि ये एक एक आर्ट है, एक हुनर है, एक कुछ कोई लोगों की है जैसे आप लोगों की एक 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 स्पेशल पावर है आपकी कुछ मैसेज को स्प्रेड करने की और हम चाहेंगे कि आप इस ऐसे मंच पे और आए. थैंक यू वेरी मच फैजू, थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.